हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है हमारा कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट कैसे बनाना है, क्योंकि इससे पहले हमने कवर किया था कीवर्ड कैसे बनाने हैं। देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई ब्लॉग बनाते हैं या कोई भी पेज का एसईओ करते हैं तो उसमें आपको कंटेंट और कीवर्ड दोनों रिक्वायरमेंट होते हैं। बट कंटेंट बनाने से पहले आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपके कंटेंट में प्लेस होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, पहले कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, इनको करने के बाद हम करेंगे पूरा अपना बाकी का बैलेंस ऑन पेज एसईओ का पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उसको करने से पहले हमें रिक्वायरमेंट है कंटेंट की। अब कंटेंट आपका दो तरह से होता है, एक तो ब्लॉगिंग कंटेंट, एक आपका कंटेंट होता है आपका पेज का कंटेंट। पेज मतलब वेबसाइट का वो पेज जिसका आप एसईओ करने वाले हैं। ठीक है, दो तरह से वेबसाइट के एसईओ किए जाते हैं। पहला होता है कि अगर आपकी बिजनेस की वेबसाइट है तो उसको एसईओ करने का तरीका अलग होता है, और अगर आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसका एसईओ करने का तरीका अलग होता है। टॉपिक सारे वही हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट वही है, कंटेंट वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ब्लॉगिंग करने में और पेज का एसईओ करने में। ठीक है, वो हम समझेंगे आगे जाके कैसे क्या फर्क है दोनों में, क्या डिफरेंस है। बट ये बताना आपको बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको ब्लॉगिंग का कॉन्टेंट बना के एसईओ करना सिखाऊंगा तो जो बाकी के लोग हैं जिनको अपना बिजनेस की वेबसाइट का एसईओ करना है वो समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हम दो पॉइंट कवर करेंगे कि एक पेज का एसईओ एज ए बिजनेस वेबसाइट कैसे करते हैं, और एक पेज का एसईओ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ आपको। एक तो देखो, पहले तो होता है एसईओ पेज का होता है, ठीक है, वेबसाइट का एसईओ नहीं होता। जो ये पेज होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है बिजनेस वेबसाइट वाला पेज, सेकंड होता है ब्लॉगिंग वेबसाइट वाला पेज। ठीक है, ब्लॉगिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चाहे वो आपका टॉपिक है आपका हेल्थ का, फिटनेस का, फूड का, ठीक है, या मार्केटिंग का, कोई भी टॉपिक है जो आपने चूज करा है, ये आपके टॉपिक्स हैं ब्लॉगिंग के। बट इसी तरह वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, चाहे वो वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की, चाहे वो वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, चाहे वो वेबसाइट है डॉक्टर की, चाहे वो वेबसाइट है किसी सर्विस एजेंसी की, चाहे वो वेबसाइट है किसी भी, जैसे योगा टीचर होते हैं योगा, या आपका इंटीरियर डेकोरेटर, आईडी लिख रहा हूँ सिंपल आईडी लिख रहा हूँ इंटीरियर डेकोरेटर, या आपके हम जैसे देखते हैं मार्केट में इवेंट मैनेजर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। हमारा टॉपिक आपको समझाने का ये है कि दोनों का एसईओ करने का तरीका लगभग लगभग 90% सेम है, बस थोड़ा सा फर्क आता है कंटेंट क्रिएशन में। जब आप ब्लॉगिंग का कंटेंट बनाते हैं उसका थोड़ा फर्क होता है, जो आपकी वेबसाइट का पेज का एसईओ करते हैं उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सारा का सारा, चाहे वो बैकलिंक वाला पार्ट हो, चाहे वो ए टू ऑल, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अभी हम कवर करेंगे कंटेंट कैसे बनाना है। इस पॉइंट के अंदर हमारा पॉइंट है कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, और कंटेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं दोनों में लागू होंगे, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो चाहे आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो। ठीक है, एक बार समझते हैं कंटेंट कैसे बनाते हैं और कंटेंट आपका किस टाइप का होना चाहिए। तो देखिए, कंटेंट क्या है, कंटेंट इज किंग। आप कभी भी अपने पेज का जब एसईओ करेंगे तो वहां पे जो गूगल का बॉट उसको रीड करने आता है वो आपके कंटेंट को रीड करता है। पहला पॉइंट, वो आपके कंटेंट को रीड करता है, और कंटेंट आपका होता है टेक्स्ट में, इमेज में या वीडियो में, तीनों को मिला के बनता है आपका कंटेंट। यानी कि आपकी वेबसाइट पे टेक्स्ट भी है, इमेजेस भी हैं, और साथ में आपकी वेबसाइट पे वीडियोस भी हैं। ठीक है, कुछ अगर आप कुछ टॉपिक आपका ऐसा है जो आपको वीडियो में बताना है तो वीडियो में आपका तरीके से कॉन्टेंट है, इमेज एक कॉन्टेंट है, और आपका टेक्स्ट एक कॉन्टेंट है, इनको मिला के आपका बनता है एक पूरा कंटेंट। और जब गूगल आता है तो वो रीड करता है आपके टेक्स्ट को, ठीक है, वो रीड करता है आपकी इमेज के बैकएंड में लिखे हुए टेक्स्ट को, उसको बोलते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। तो गूगल जब आता है वो आपकी इमेज को रीड नहीं करता, क्योंकि बोट को इमेज दिखाई नहीं देती, वो केवल टेक्स्ट समझता है। तो वो आपकी इमेज के पीछे कैसे डालना है हमको बताएंगे आपको, वो रीड करता है इसको। ठीक है, तो इसी तरह वो रीड करता है आपकी हेडिंग को, इसी तरह वो रीड करता है आपके कीवर्ड्स को। तो गूगल समझता है इन चीजों को, टेक्स्ट को, इमेज को,
और ऑल टेक्स्ट को, हेडिंग को, कीवर्ड्स को, गूगल इनको पढ़ता है, इनके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को रैंक देता है। लेकिन जब कोई यूजर आता है, यूजर पढ़ता है आपके फ्रंट एंड के, फ्रंट के कंटेंट को, ठीक है, उसको पढ़ के ही वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है और इसको हम बोलते हैं मेटा टैग्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका आता है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और आपका आता है मेटा यूआरएल, ठीक है। ये तीन टॉपिक होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से सजा के बनाने होते हैं, क्योंकि जैसे आपकी कोई शॉप है उसका डिस्प्ले देख के ही क्लाइंट अंदर आता है, इसी तरह आपकी वेबसाइट का डिस्प्ले है मेटा टैग्स। ये क्या होता है आपको दिखाता हूं मैं एक बार, देखिए यहां पे मैंने सर्च किया था बेस्ट ब्लॉगिंग नीच, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे मैंने सर्च करा यहां पे देखिए ये डिस्प्ले आ गए सारे, आपको बताया था इसको बोलते हैं स्निपेट्स, स्मॉल इंट्रो ऑफ योर वेबसाइट। ये आपका मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है और ये आपका मेटा टैग्स है, यूआरएल है, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि आप किस पे क्लिक करेंगे डिपेंड करता है कि आपको किसका कंटेंट पसंद आ रहा है। ये कंटेंट पसंद आ रहा है आपका 8 पॉपुलर ब्लॉग्स नीश या 7 नीश या 89 ब्लॉग्स नीश या 100 प्लस, अब डिपेंड करता है कि आपने यूजर को क्या डिस्प्ले किया है। ये आपका डिस्प्ले वर्ड है, डिस्प्ले टाइटल है, डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन है, तो ये आपकी दुकान का एक डेकोरेशन का पार्ट है कि जिसको देख के यूजर आता है, ठीक है। और इस पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, ये आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि मैंने आपको या इस यूजर ने आपको किस तरीके से डेकोरेट करके आपको प्रेजेंट किया है कि आपको कंटेंट पढ़ा भी जा रहा है और आपको समझ भी आ रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। हमारा जो काम है कंटेंट बनाने का वही होता है कि इसकी हमें डेकोरेशन कैसे करनी है, इसका हमें अलाइनमेंट कैसे करना है, इसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, कीवर्ड कैसे प्लेस करनी है। तो कंटेंट का काम होता है कंटेंट बनाने में आपको इन सब टॉपिक पे ध्यान रखना है। वो टॉपिक हमारे ये हैं कि कंटेंट को डेकोरेट करना, उसके अंदर कंटेंट को कैसे प्लेस करना है, उसको कैसे डेकोरेशन करना है, उसके अंदर हेडिंग कैसे प्लेस करनी है और किस टाइप से करनी है, कीवर्ड्स किस टाइप से प्लेस करने हैं, ग्रामेटिकल एरर जो मिस्टेक्स है उनको कितना कैसे रिमूव करना है, साथ में कंटेंट की क्वालिटी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी में कैसे देनी है। तो ये होता है आपका कंटेंट क्रिएशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट क्रिएशन। इसके लिए हमारे पास हमने क्या चाहिए आपको, एक तो टेक्स्ट चाहिए, एक आपको इमेज चाहिए और साथ में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कीवर्ड्स, ठीक है। इससे पहले टॉपिक में हमने कवर किए थे कीवर्ड रिसर्च, वो इसलिए किए थे क्योंकि जब आप कंटेंट रेडी करते हैं तो कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि आपको कौन से कीवर्ड पर काम करना है और आपके लिए कौन से कीवर्ड सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारा टॉपिक आता है कंटेंट। अब कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, अब कंटेंट आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि कंटेंट आप जब लिखते हैं उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए वो मैटर करता है, ठीक है। 1000 वर्ड से लेकर 2000 वर्ड तक का कंटेंट बहुत अच्छा होता है आपका। अगर कंटेंट 500 वर्ड का भी है तो कोई मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो भी आपका गूगल पर रैंक कर सकता है। बट अगर जितना ज्यादा लंबा कंटेंट होता है उतना जल्दी वो रैंक करता है, क्योंकि ज्यादा लंबा कंटेंट में कीवर्ड प्लेसमेंट भी ज्यादा होती है, रिलेवेंट कीवर्ड्स ज्यादा होते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो कोशिश करें 1000 से लेकर 2000 तक का कंटेंट आप बनाए। अगर आपका इससे कम का कंटेंट है तो भी कोई इश्यू नहीं है, 500 से लेकर 1000 वर्ड तक का तो भी चल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें कंटेंट में कितने वर्ड्स हैं। बहुत सिंपल तरीका है कंटेंट में वर्ड पता करने का। सबसे पहला तरीका तो ये है, अगर आपके लैपटॉप में सिस्टम में वर्ड फाइल है एमएस वर्ड, इसको ओपन करके आप इस पर कंटेंट डालेंगे तो आपके सामने कितने वर्ड्स हैं आपको शो कर देगा। एक तरीका और है, आप जाइए सीधा डायरेक्ट गूगल पे, ठीक है, वहां पे टाइप कीजिए वर्ड्स काउंटर। सपोज करो मैं ये एक ब्लॉग लेता हूं, इस ब्लॉग का मैं काम करता हूँ, छोटा सा पार्ट यहाँ से रेडी करता हूँ, ये हेल्थ वाला, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और अब मैं चाहता हूँ गूगल के अंदर ही यहाँ पे टाइप करता हूँ वर्ड काउंटर, ठीक है। सर्च करेंगे टॉप पे आ गया वर्ड काउंटर .net, इस पर क्लिक करेंगे, एक IOB है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए। इस पर जाते हैं तो यहाँ पे देखो आ गया कितने वर्ड्स हैं, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, शो हो गया 132 वर्ड्स है, 790 करेक्टर्स हैं। ये क्या होते हैं करेक्टर्स और वर्ड्स, ये आपका पूरा एक वर्ड है और इस वर्ड के अंदर कितने हैं, 2, 3, 5, 3, 8 और 9 करेक्टर्स हैं। ये जो सिंगल ए है ये करेक्टर है, ठीक है, ये डाइट है, इसके अंदर एक ये पूरा एक वर्ड है और इसके अंदर ये जो आपके DIET टोटल 4 करेक्टर्स हैं, ठीक है, 1 word 4 करेक्टर्स, ये पूरा एक वर्ड है 1 word और आपके 10 करेक्टर्स, ठीक है।
ये तरीका होता है वर्ड काउंटर करने का कि आपके ब्लॉग में या पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं, आप यहाँ देखकर आप इसको इजीली पता कर सकते हैं। सेकंड आपका एक और चेक करते हैं ये वाला, इसके अंदर भी पेस्ट करते हैं, देखिए शो हो गया 132 वर्ड्स और आपका 802 करेक्टर्स, दो सेंटेंसेज हैं, नो पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो कुछ सैंपल हमारा ये था कि अब जैसे ये ब्लॉग है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ है इसकी, यहां से, इसमें देखेंगे इसका जो हेडिंग है वो ये है बेस्ट ब्लॉगिंग डिश, ठीक है। और इसके बाद जितने का जितने भी आप देख रहे हैं नीचे, सारे इसके करेक्टर्स हैं, सारे इसके वर्ड्स हैं। आपको इन सबको वर्ड्स को कॉपी करना, चेक करना कितने वर्ड्स का ब्लॉग है। इसका ब्लॉग कम से कम 2000 से लेकर 2500 वर्ड का ब्लॉग होगा और ये आपका पहले पेज पर रैंक कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। ये ब्लॉग है जिसका पहले पेज पर रैंक कर रहा है। और अब इसके अंदर क्या क्या खासियत है आगे हम चेक करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बनाने का जो तरीका है वो आपको बताने वाले हैं अपने कॉन्टेंट वाले पार्ट के अंदर, इस पूरे पार्ट के अंदर। अब कॉन्टेंट बनाने का तरीका क्या है, पहले तो आपका जो ब्लॉग्स है 1000 से लेके 2000 वर्ड का होना चाहिए, कम टेक्स्ट होगा तो भी चलेगा बट वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए। सेकंड, आपका जो ब्लॉग है इजी सिंपल एंड रीडेबल होना चाहिए, यानी कि यूजर जब उस पर आता है उसको समझ में आना चाहिए। बहुत हार्ड लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी कि लोग उसको समझ नहीं पाए, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको डिफाइन करना है और उसमें आपको यूज करना है ज्यादातर पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ और छोटी छोटी हेडिंग्स। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ब्लॉग है क्या करा उन्होंने, ये आपका एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक हेडिंग ली हेल्थ एंड फिटनेस, इसके बारे में लिखा, ठीक है, फिर आगे गए दोबारा एक हेडिंग ली, फिर उसके बारे में लिखा, फिर आगे गए फिर एक हेडिंग ली उसके बारे में लिखा, ये क्या छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। एक और चेक करते हैं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी यही है कि एक छोटा सा टॉपिक लिया पेरेंटिंग ब्लॉग, ये पूरा इसका पूरा बना दिया पैराग्राफ, आगे गए फिर एक और टॉपिक लिया, एक और आपका हेडिंग ली फिर उसके बारे में लिखा। तो आपको क्या करना, छोटे छोटे पैराग्राफ में अपने ब्लॉग को डिवाइड कर देना है जिससे कि यूजर उनको पढ़े और उसको पढ़ने में आसानी हो और रीडेबल हो। नेक्स्ट है आपका सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस 12 to 15 वर्ड्स, ठीक है। ये क्या है कि आपका होता है एक सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक, ये एक सेंटेंस पूरा खत्म हो गया इस जगह पे, ठीक है। इसी तरह यहां से इसका अगला सेंटेंस स्टार्ट हो गया यहां से लेकर यहां तक, और इसी तरह ये सेंटेंस आपका यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आपका पूरा फिनिश हो गया। यानी कि आपको जो ब्लॉग बनाना है वो सेंटेंसेस जो आपके होते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लेना, छोटे सेंटेंस लेने हैं 10 से लेके 15 वर्ड्स के। चेक करते हैं कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, कंट्रोल सी कंट्रोल ए ही, ठीक है, इसमें आपके 15 वर्ड्स हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है कि 12 से लेके 15 वर्ड्स आपके सेंटेंस में होने चाहिए, बहुत लंबा आपका सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल हेडिंग्स, छोटी छोटी हेडिंग्स हो, हेडिंग क्या होती है, जैसे ये हेडिंग, ये आपकी हेडिंग्स है, ठीक है, और ये आपकी हेडिंग्स है और ये आपके नीचे ये हेडिंग्स है, यानी कि हेडिंग के साथ आपका ब्लॉग हो, ठीक है। उसके बाद क्या, डिवाइड इन पैराग्राफ, मैंने आपको पहले कहा था कि आपको अपने ब्लॉग्स को पैराग्राफ में डिवाइड करना है और हर पैराग्राफ 80 to 90 वर्ड्स का होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि इस पैराग्राफ में कितने वर्ड्स उन्होंने यूज किए हुए हैं, चेक करते हैं कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, कितने करेक्टर्स हैं, कॉपी पेस्ट 180 वर्ड्स हैं, काफी बड़ा पैराग्राफ है। एक और चेक करते हैं इसका पेरेंटिंग वाला, इसको लेते हैं यहां से लेकर यहां तक, कॉपी पेस्ट 112 वर्ड्स का, ठीक है। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप पैराग्राफ बनाए 80 to 90 वर्ड्स तक आपको होना चाहिए, या 100 वर्ड का हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको अपने ब्लॉग को छोटे छोटे स्मॉल हेडिंग्स में, स्मॉल सेंटेंसेस में और स्मॉल पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है, हेडिंग आपको यूज करनी है। और जो हेडिंग होती है वो आपकी होती है 3 तरह की, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, ठीक है। ये क्या होती है आपको दिखाता हूँ मैं भी, आप जब भी कोई ब्लॉग बनाते हैं सबसे टॉप पे जो आपका ब्लॉग का टाइटल होता है ये बाय डिफॉल्ट हेडिंग 1 होती है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हेडिंग 1 होती है, ये वाली, ये रही, ठीक है।
और हेडिंग वन एक ब्लॉग में केवल एक ही बार होती है, आपको ध्यान रखना है। एक ब्लॉग में या एक पेज पे, चाहे आपका बिजनेस का पेज हो चाहे ब्लॉग का पेज हो, हेडिंग वन केवल एक ही होती है और आपको एक ही रखनी है, ठीक है। और बाकी की जो अदर हेडिंग होती है, सेकेंडरी हेडिंग्स, ये होती है आपकी हेडिंग टू और ये होती है हेडिंग थ्री। इसके बाद आपको क्या रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्लॉग में आपको हेडिंग वन रखनी है वन टाइम, हेडिंग टू रखनी है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टू टाइम्स, और बाकी का जो आपका सेंटेंस है वो जितने भी आपके हेडिंग्स हैं वो आपकी हेडिंग थ्री होती है, ठीक है। जैसे कि बाकी के जितने भी हेडिंग्स हैं आपकी हेडिंग थ्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है, हेडिंग वन, ठीक है। और ये उन्होंने हेडिंग टू है, बाकी की देखो ये हेडिंग टू है और बाकी की जितनी भी हेडिंग्स है आपकी हेडिंग थ्री है, जो भी आप लेंगे सारी हेडिंग थ्री है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, देख रहे हैं आपको यहाँ नीचे बॉटम पे देखना, इस जगह पे यहाँ पे लिंक का नहीं आता है, इस पर मैंने कर्सर रखा तो www.wbagnet.com, ये कौन सी वेबसाइट है, इसी की वेबसाइट है, यही वेबसाइट है जो आपको नीचे इस जगह पे यहाँ पे चेक करना, आपको बॉटम पे शो हो रहा है wbagnet.com, यानी कि इसी वेबसाइट का अदर पेज है। क्या कर रखा है उन्होंने, अपने इसी पेज पे सेकंड पेज की एक लिंक लगा रखा है, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, इसको बोलते हैं इंटरलिंक, इंटरलिंक लगा रखा है। जब भी हम इसे क्लिक करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करके हम इसी की साइट के दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे जब यूजर क्लिक करके सेकंड पेज पे जाता है तो उससे आपकी वेबसाइट का जो वॉच टाइम है वो बढ़ता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे यूजर जितने ज्यादा टाइम रुकेगा उतना ही ज्यादा आपकी वेबसाइट को गूगल रैंकिंग देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यूजर को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अपनी वेबसाइट पे कैसे रोकना है, वो कंटेंट के थ्रू रोकना है और इंटरलिंकिंग के थ्रू रोकना है। तो इंटरलिंकिंग और कंटेंट टेक्स्ट आपको ये बहुत आपको प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करना होगा, जिससे कि यूजर आपकी साइट पे आए और आपकी वेबसाइट में अंदर इधर उधर घूमता रहे। और सेकंड पॉइंट बेनिफिट ये होता है, जब गूगल आपके इस पेज पे आएगा, इसको क्रॉल करेगा, तो इसके साथ जो आपकी बाकी की पेजेस आपने इस पे ऐड किए हुए हैं साथ में इस लिंक के थ्रू, इस लिंक के थ्रू या इस लिंक के थ्रू, वो पेज भी आपके बाय डिफॉल्ट क्रॉल हो जाएंगे, जिससे उनकी एसईओ रैंकिंग भी इंक्रीज होगी। इंटरलिंकिंग का फायदा ये होता है, जब गूगल आपके एक पेज पे आता है उसको क्रॉल करने के लिए, तो उस पेज पे जो बाकी के लिंक्स आपने लगा रखे हैं अपनी वेबसाइट के, वो उनको भी क्रॉल करता है। और जितने ज्यादा बार आपका आपका पेज क्रॉल होगा, जितनी ज्यादा बार आपका लिंक, आपका वेबसाइट का पूरा टेक्स्ट क्रॉल होगा गूगल की नजर में, उसकी रैंकिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। सिंपल फंडा अगर मैं बोलूं, आपके दिमाग में अगर एक ही नाम बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, तो आपका उस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। जैसे कि आपके दिमाग में बार बार कोई नया ब्रांड मार्केट में आया और दो तीन महीने तक लगातार आपको हर जगह वो दिखाई दे रहा है, ब्रांड वही ब्रांड दिखाई दे रहा है, वही ब्रांड दिखाई दे रहा है, तो माइंड में आपका उसका ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आपका लिंक, आपका पेज, आपके कीवर्ड्स बार बार क्रॉलिंग में जाते हैं, तो गूगल का ट्रस्ट आप पे धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल तरीका है जो आप नेचुरल में देखते हैं, कि अगर सपोज करो आपके एरिया में कोई नई शॉप खुली, ठीक है, तो आप उस पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे, बट आप जहां भी जाते हैं हर दीवार पे, हर दीवार पे, हर गली के कोने पे, हर जगह पे आप जहां देख रहे हैं उसी का पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक बार ये होता है कि चलो एक बार उसकी सर्विस लेके देखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, दो से लेके तीन महीने में, चार महीने में आपका उस पर ट्रस्ट बन जाता है, और ट्रस्ट बन जाता है तो क्या होता है, आप उसकी सर्विस गेन करते हैं, गेन करते हैं तो क्या होता है, उसकी सेल बढ़ती है, यानी कि उस पर ट्रैफिक बढ़ता है। सेम ऐसे ये है कि जब आपका वेबसाइट का टेक्स्ट, आपके वेबसाइट के पेजेस, आपके वेबसाइट के पेजेस के लिंक्स बार बार गूगल क्रॉल करेगा और उन पेज पे लगा हुआ कीवर्ड बार बार गूगल क्रॉल करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि गूगल की नजर में आपके वेबसाइट के उस पेज की रैंकिंग ग्रो कर जाएगी। सिंपल फंडा, आपको बार बार गूगल के सामने आना है, किसी तरह आना है, चाहे अपनी वेबसाइट के थ्रू आना है, चाहे ट्रैफिक लाकर गूगल उसको क्रॉल करे, चाहे आप किसी और वेबसाइट पे जाके अपना लिंक शेयर करें, वहां से गूगल क्रॉल करे, कुल मिला के आपको अपनी वेबसाइट के पेजेस बार 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 क्रॉल करवाने हैं। जितने ज्यादा आपके पेजेस क्रॉल होंगे उतना ज्यादा गूगल के नजर में आपकी वेबसाइट की क्वालिटी बढ़ेगी, आपके पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी, और उसी बेस पे वो आपको रैंकिंग देगा, वो धीरे धीरे आपको उठा के फ्रंट पेज पे लाके मेंशन कर देगा। बट उसके लिए जो जितने भी गूगल के टर्म्स हैं, जितने भी गूगल के टर्म्स हैं आपके पूरे होने चाहिए। अगर आपने कहीं भी मिस स्पेलिंग करी, आपने प्रॉपर तरीके से कंटेंट नहीं बनाया, आपका कंटेंट यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ, तो वहां पे वो आपकी रैंकिंग घटा भी देगा।
ठीक है। तो इंटरलिंकिंग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर इस पे इंटरलिंकिंग पे काम करते हैं साथ में तो आपको बेनिफिट पूरा पूरा इसका होगा, ठीक है। यूज टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस वीडियो प्लस ऑल टेक्स्ट, यानी कि आपको अपने कॉन्टेंट के अंदर टेक्स्ट भी यूज करना है, इमेज भी यूज करना है, वीडियो भी आप यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बट ऑल टेक्स्ट भी आपको यूज करना है। ऑल टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, ये आपके इमेज के बैकएंड में लिखा हुआ एक टेक्स्ट होता है, क्योंकि जब गूगल का बोट आता है आपके पेज को क्रॉल करने के लिए तो इमेज को पढ़ नहीं पाता और ना होता है, उसको दिखाई देता है केवल टेक्स्ट, ठीक है। तो वो इमेज किस चीज की उसको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, ये आपका एक ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर आपकी ये इमेज लगी हुई है, ठीक है। अब देखो इमेज के ऊपर उन्होंने टेक्स्ट डाला हुआ है, बेस्ट ब्लॉगिंग नीड्स टू स्टार्ट ए ब्लॉग, ये पूरा उन्होंने यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया हुआ है, देख रहे हैं, क्लिक करते कैप्शन आ रहा है। ये कैसे ऐड करना है मैं आपको बताऊंगा अभी इमेज एसईओ के अंदर। एक और चेक करते हैं, नई इमेज, इसका कैप्शन क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस, टॉपिक क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस। गूगल का बोट आया, उसने इसको रीड करा, ठीक है, उसने इसको रीड करा, ठीक है, अब ये क्या है, उसको पता ही नहीं है इमेज क्या है, बट ये इमेज कह रही है हेल्थ एंड फिटनेस, तो उसको पड़ेगा अच्छा हमारा टॉपिक क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस, इमेज का नाम क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस, आपका कंटेंट क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस, तो इसको पढ़ के आगे निकल जाएगा। क्या हुआ, आपका जो वर्ड है, कीवर्ड है हेल्थ एंड फिटनेस की, उसमें पढ़ लिया, रीड कर लिया, बट अगर आपने इसको कोई नाम नहीं दिया तो वो कहेगा ये क्या रखा है, क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ओल्ड टेक्स्ट भी डालने हैं, वो आपको बताऊंगा इमेज एसईओ में कैसे करेंगे। आगे चलते हैं इसके अंदर, यूज बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, आपको बुलेट पॉइंट्स का भी यूज करना है। अगर आपका देखो इसमें उन्होंने ये देखो, देख रहे हैं, ये है आपके बुलेट पॉइंट्स। अगर आपके जो सेक्शंस हैं नंबर वाइज हैं, सीरियल वाइज हैं, तो आपको यहाँ पे या तो नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5, या एरो डाल दीजिए, या हैंड लगा दीजिए, या फिर बुलेट पॉइंट लगा दीजिए, बात एक ही है। उससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्टेंट है, आपका जो पैराग्राफ है, वो थोड़ा डिफाइन हो जाता है यूजर के नजर में, वो आराम से एक एक पॉइंट पढ़ता है, उसको समझता है। तो ये भी आपको यूज करने हैं बुलेट पॉइंट्स। तो ये पॉइंट है आपके कॉन्टेंट बनाने के, कि आपका जो कंटेंट है कितने वर्ड्स का होना चाहिए, इजी सिंपल और रीडेबल होना चाहिए, सिंपल स्मॉल सेंटेंस में होना चाहिए, कुछ ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस मत बनाना, 30-40 वर्ड्स के आपने लंबे लंबे सेंटेंस बना दिए वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते। छोटी छोटी हेडिंग लीजिए पैराग्राफ में, अपने ब्लॉग को या अपने कॉन्टेंट को डिवाइड कीजिए, क्योंकि पैराग्राफ में पढ़ना ईजी होता है कंपेयर टू एक बहुत लंबे सेंटेंस को, ठीक है। हेडिंग यूज करनी है आपको, हेडिंग 1 एक बार लेनी है, हेडिंग 2 दो बार ले सकते हैं, और बाकी जितने भी हेडिंग्स हैं आप उनको H3 करके प्लेस कर देंगे। इंटरलिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरलिंकिंग से क्या होता है आपकी बाकी के जो वेबसाइट के पेजेस हैं वो भी क्रॉल हो जाते हैं, जिससे आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलता है। टेक्स्ट आपको यूज करना है, इमेज यूज करनी है, इमेज का ऑल टेक्स्ट देना कंपलसरी है, बुलेट पॉइंट्स भी आपको इसके अंदर यूज करने हैं। ये छोटे से टॉपिक थे आपके कॉन्टेंट बनाने के। अगली वीडियो में बात करेंगे कॉन्टेंट के अंदर कीवर्ड्स कैसे प्लेस करने हैं, क्योंकि ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड कैसे प्लेस करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।